क्लियर स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास दो साइड आपको और
नाम फिक्स होते, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल मेंशन नहीं है, तो मैंने ये नाम अपनी मर्जी से यहाँ पे इसको बेस कर दिया और इसको परपेंडिकुलर कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? वो आगे हम डिस्कस करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे कोई एंगल मेंशन होगा तो क्या परपेंडिकुलर कहलाएगा क्या बेस कहलाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इन फर्दर लेक्चर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं पैथागोरस थ्योरम की। जिसने प्रोड्यूस किया था नाम थ्योरम पेश किया था उसका नाम था पैथागोरस, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है पैथागोरस थ्योरम। अब उसने क्या थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट क्या थी थ्योरम की, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, स्क्वायर क्या शो करता है आप मुझे यहाँ पे बताएं, स्क्वायर किस चीज को मेंशन करता है, एरिया को, ठीक है। आपने पता होगा कि आपने जितने भी एरिया पढ़े कोई सा भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास जो यूनिट आता है वो क्या होता है, किसकी फॉर्म में आता है, स्क्वायर की फॉर्म में आता है। लिखते हैं ना आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर और सेंटीमीटर तो हमारे पास साइड्स के यूनिट होते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा रहे थे वो किसको शो करता है, एरिया को। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ग्रिड, एक रेक्टेंगल का ले लेते हैं, तो हमारे पास जो यूनिट होता है यहाँ पे सेंटीमीटर ले लें फिलहाल, ठीक है, और इधर सेंटीमीटर, तो आपको इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और इसको इस तरह लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो वर्ड स्क्वायर है वो किसको शो करता है, एरिया को शो करता है। सही स्टूडेंट्स? तो हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, इट मींस जो हाइपोटेन्यूस वाली पोर्शन है उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी मैं आगे जब आपको वेरिफिकेशन करवाऊंगी तो मैं आपको उसको प्रूफ भी करवाऊंगी कि किस तरीके से ये बराबर हो रहा है। सही स्टेटमेंट क्या कह रही है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हमारे पास जो ये सी वाली साइड में ऐसे भी लोग पढ़े स्मॉल सी, अगर इसका स्क्वायर करूं, सी का स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। सही? अब आप इधर देख लीजिए इसको मैथमेटिकल किस तरह लिखा गया है, मतलब एक स्टेटमेंट को, ये वो जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, अब इसको देखें किस फॉर्म में लिखा गया है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है, फिर एरिया मींस क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, एक आपको मैं इधर, नाउ स्टूडेंट्स अब इस फिगर में देखें हमारे पास जो है ना, मैंने कुछ आपको प्रूफ वेरिफिकेशन करवाने के लिए एक फिगर ड्रॉ की है, इसमें देखिए मैंने 3 सेंटीमीटर एक साइड थी मेरे पास, ये 4 सेंटीमीटर साइड है, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर बेस है, 4 सेंटीमीटर मेरे पास परपेंडिकुलर और 5 सेंटीमीटर मैंने हाइपोटेन्यूस दी है। अब इसकी वेरिफिकेशन मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, इट मीन्स यहाँ पे फिलिंग हुई हुई है चीज, क्लियर है, ये एरिया है, ठीक है, जो बॉक्सेस बने हैं समझे, बॉक्सेस जो है वो एरिया है, ठीक है, तो 3 × 3 कितना हो गया टोटल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितना हो गया 9, ये 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 सेंटीमीटर का एरिया हो गया, क्लियर है। इसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 16 इसके हमारे पास यहाँ पर क्या होगा टोटल एरिया हो गया, क्लियर है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो ये भी हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्या है, एरिया इस साइड का, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। नाउ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आप देखिए हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितने कितना आया, इसका जो स्क्वायर है सी स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही, इसके बराबर है बेस स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 सेंटीमीटर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करें, 16 + 9 इसका एरिया और इसका एरिया, जब दोनों को ऐड करेंगे 16 + 9 तो किसके इक्वल हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के। आगे हम हमारे पास एक वेरिफिकेशन होगी जो इसको प्रैक्टिकल भी आपको प्रूफ करके दिखाया जाएगा, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह वो एरिया, इन दोनों का एरिया इसको फिल करेगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई चीज डालूं, कोई चीज फिल करूं, कुछ भी इसमें फिल कर सकती हूँ, चीनी दाल कुछ भी, और इसके अंदर भी फिल करूं, इसको मैं खाली छोड़ दूं, जब मैं इस ट्राइंगल इसकी जो चीजें बाकी से फिल करूंगी तो इसके एरिया को ये कवर कर देगी,
अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का आपका ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट बताई है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है उसकी, वो क्या पाइथागोरस थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी कि जो हमारे पास स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा, जो इसका स्क्वायर होगा, ये तो साइड है ना, साइड है हमारे पास अभी, लेकिन जब इसका एरिया निकालेंगे जो चीज यहाँ पर होगी वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के एरिया के बराबर होगी। जब हम इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे, इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस करते हैं। अगर ये चीज फॉल्स हो गई, ये दोनों चीज इन दोनों के एरिया बराबर नहीं हो इसके, तो ये पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of square of base and perpendicular, किसके इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर का जो एरिया है उसको सम करेंगे तो उसके बराबर क्या बराबर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स ये बात इसको मैथमेटिकली लिखी गई है, इसका जो फार्मूला ड्राइव किया गया है उसमें हम मतलब लिखा गया है कि हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में सॉल्व करेंगे ताकि आपको मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन वेरिफिकेशन उसको समझ में भी आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो आप ये लेक्चर दोबारा सुनिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास। ठीक है, और मजे का भी है, इंटरेस्टिंग भी है अगर आपको इस चीज समझ में आ जाए तो। सिर्फ हमें वेरिफिकेशन करके जो नेक्स्ट लेक्चर है आपको उसमें प्रूफ हो जाएगा तो आपको ये चीज और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें वाटरफिल है। अब ये देखिए हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर का जो एरिया है किस तरह फिल कर रहा है हाइपोटेन्यूज के एरिया को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यही चीज़ अब कर्व कर रही है तो हाइपोटेन्यूज का जो एरिया है वो किस तरह फिल कर रहा है बेस और परपेंडिकुलर के एरिया को। इस वीडियो में के थ्रू आपको अच्छी तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम का जो मॉडल है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ गया होगा। हमारा इन एल एल बलाक।